शिक्षा वो नींव है जो एक मजबूत और सशक्त समाज का निर्माण करती है, और इसी समाज में एक अभ्यर्थी अपने ज्ञान कौशल और योग्यता के बल पर खुद को इस काबिल बनाता है कि वो रोजगार को प्राप्त कर सके। ये रोजगार उसे न सिर्फ सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है बल्कि उसका एक सपना भी होता है। लेकिन जब अखबार की सुर्खियों में परीक्षा का घोटाला छपता है तो न सिर्फ यह सपना टूटता है बल्कि एक ईमानदार प्रतियोगी के संबल और साहस पर भी चोट लगती है। जब उम्मीदों के दिए अन्याय की हवा से बुझने लगते हैं तब प्रश्न उठता है शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता, उसकी निष्पक्षता, उसके शाख और विश्वास पर। ऐसा ही प्रश्न उठाया गया बजट में अपने अभिभाषण के दौरान महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा, और इसी के मद्देनजर हाल ही में एक बिल प्रस्तुत किया गया है लोकसभा में जिसका नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर बिल 2024। तो आज की हमारी चर्चा के केंद्र में यही बिल है, देखेंगे इसमें क्या प्रोविजन किए जा रहे हैं, अगर यह कानून बनता है तो कैसे इस पूरी प्रणाली को सुधारने में यह सहायक होगा। नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इनडेप्थ श्रृंखला में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा, लोक परीक्षा विधेयक 2024, क्या लगेगी परीक्षा गड़बड़ियों पर लगाम। इसी संदर्भ में आज की चर्चा केंद्रित होगी। चर्चा के बिंदुओं को सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले खबर को देखेंगे, चर्चा में क्यों है, अनुचित साधन से क्या अभिप्राय है जिसमें इस शब्दावली का प्रयोग किया गया है, इस बिल के शीर्षक में यह है। उल्लिखित सार्वजनिक परीक्षाएं, इस विशेष संदर्भ से इसको बताया गया है, वो कौन सी परीक्षाएं हैं जिसको इसके अंतर्गत इस दायरे में वो सम्मिलित होंगी जब ये कानून का रूप लेगा, उसको देखेंगे। क्या होगी सजा, कौन कौन से प्रोविजन किए गए हैं, किस प्रकार की सजा को वर्गवार विभाजित किया गया है वो देखेंगे। क्यों लाया गया ये बिल, क्या जरूरत पड़ी, इस पर विचार करने के साथ अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 और 4 दोनों लिहाज से ये आपके लिए संदर्भ महत्वपूर्ण है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि हमसे सीधे आप प्रत्यक्ष रूप से जुड़ सकें। बात खबर की करेंगे, खबर है इंडियन एक्सप्रेस की, व्हाट इन न्यू बिल टू स्टॉप चीटिंग इन एग्जाम्स। अब देखिए, एग्जाम्स में चीटिंग कई तरह की होती है। एक परंपरागत चीटिंग थी जो बगल की कॉपी से देख के बच्चे चीटिंग कर लिया करते थे, लेकिन आज की जो नकल है इससे बहुत आगे बढ़ चुकी है। पूरा का पूरा एक अभ्यर्थी का जीवन प्रभावित होता है, इस लिहाज से ये गंभीर मसला है, तो इसको लेके ये विधेयक लाना पड़ा। क्यों चर्चा में है इसको देखते हैं। तो चर्चा में होने का कारण ही ये था कि जब बजट के दौरान महामहिम जी ने अपने भाषण में इसको इंगित किया, इस समस्या की ओर ध्यान दिया, उसके मद्देनजर ये लगा कि हाँ, इस दिशा में कदम उठाया जाएगा, और 5 फरवरी को लोकसभा में एक बिल लाया जाता है, इसको प्रस्तुत किया जाता है, इसको लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 के नाम से जाना जाता है, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर बिल 2024 के नाम से ये जाना जाता है, ये बिल रखा जाता है। इसमें सभी शीर्ष परीक्षाएं, जो परीक्षाएं भारतवर्ष में जो बड़ी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उसको सम्मिलित किया गया है। कौन सी परीक्षाएं हैं उस पर हम विचार करेंगे, देखेंगे। उनमें जो भी अनुचित हरकत की जाती है, जो अनुचित प्रणालियां अपनाई जाती हैं, उसके आधार पर इसमें कुछ कानूनी सजा का प्रावधान किया गया है, जिसके लिहाज से पूरी शिक्षा प्रणाली जो है उसकी पारदर्शिता, उसकी शुचिता, उसकी विश्वसनीयता को बनाए रखा जा सके। इस वजह से यह चर्चा में है, अनुचित साधन का अभिप्राय क्या है, सबसे पहले हम इस पर विचार करते हैं। तो देखिए, इसमें जो धारा 3 है इस पूरे के पूरे विधेयक की, अगर ये कानून बनता है तब ये प्रोविजन लागू होंगे, लेकिन फिलहाल इस विधेयक पर विचार करते हुए आपको बताएं कि इसकी जो धारा 3 है उसमें 15 ऐसे कार्य हैं जिनको सूचीबद्ध किया गया है, और इन 15 कार्यों को ऐसा माना गया है कि ये एक ऐसे प्रयास हैं जो कि पूरी की पूरी प्रणाली को डिस्ट्रैक्ट करने में, एक तरह से क्राइम के रूप में इसको देखा जा रहा है, और इसमें ये कहा जा रहा है कि मौद्रिक या लाभ के लिए ये जो किया जाने वाला कृत्य है उसको अपराध की श्रेणी में सूचीबद्ध माना जा रहा है। वो कौन कौन से 15 हैं काम, तो उसको देख लेते हैं। पहला, आपने देखा होगा प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी लीक होना। अक्सर कई परीक्षाएं होती हैं, परीक्षा के लिए अभ्यर्थी दूर दूर की यात्राएं करते हैं, और उन यात्राओं के बाद जब अभ्यर्थी पहुंचता है अपार संघर्ष के बाद, तो पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है, परीक्षा में पहले से ही प्रश्न पत्र आउट हो जाता है। तो अब इस बिल के अंतर्गत अगर आपको उत्तर कुंजी या प्रश्न पत्र पहले प्राप्त होता है, आप उसमें संलिप्त हैं, तो इसके लिए इसमें आपकी किसी भी प्रकार की मिली भगत को अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। दूसरी बात है, पेपर या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, जिसको कि OMR कहते हैं, वहां तक अगर कभी भी आपकी अवैध पहुंच हुई। देखिए, ये सब जितनी भी एग्जाम से रिलेटेड चीजें हैं बहुत गोपनीय रखी जाती हैं, एग्जाम सेंटर तक कुछ ही समय पूर्व इनको पहुंचाया जाता है, सुरक्षा के बीच रखी जाती हैं, डबल लॉक के अंदर रखा जाता है। तो ये सारी चीजें अगर किसी ऐसे व्यक्ति तक इसकी पहुंच है जो कानून सम्मत नहीं है,
तो उसको भी इसके अंतर्गत ऐसा माना जाएगा कि वो अपराध में लिप्त है, वो गैर कानूनी तरीके से उसकी पहुंच वहां तक हुई है। इसके बाद ओएमआर में किसी भी प्रकार की अगर छेड़छाड़ की जाती है, ओएमआर अभ्यर्थी को निश्चित समय पर दिया जाता है, लेकिन कई बार ऐसा देखने में मिला कि कुछ अभ्यर्थी जो कि गैर कानूनी ढंग से उसमें संलिप्त होते हैं, ओएमआर ब्लैंक होता है, जमा होता है, बाद में उसमें छेड़छाड़ कर दी जाती है। इस प्रकार की गतिविधि को भी इसमें सूचीबद्ध किया गया है, उसको भी क्राइम माना जाएगा। साथ ही सार्वजनिक परीक्षा के दौरान किसी भी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा अगर सॉल्व कराया जाता है, बड़े बड़े गैंग्स पकड़े जाते हैं जिसमें सॉल्वर को बैठाया जाता है दूसरे अभ्यर्थी की जगह, एडमिट कार्ड में छेड़छाड़ की जाती है और दूसरे अभ्यर्थी वहां परीक्षा देते पाए जाते हैं, इस प्रकार का क्राइम जो है और संज्ञेय अपराध है, जिसको एक संस्थागत क्राइम के रूप में माना जाता है, तो इसको भी इसमें सूचीबद्ध किया गया है। साथ ही आप देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर रिसोर्स और कंप्यूटर सिस्टम के साथ छेड़छाड़। मौजूदा समय में ऑनलाइन शिक्षा जैसे जैसे बढ़ रही है तो कंप्यूटर रिसोर्स और इसके माध्यम से जो छेड़छाड़ है बहुत आम बात हो गई है। हाल ही में दिल्ली में एक मसला हुआ था जिसमें कि ऐसा देखा गया कि एक जो सॉल्वर था वो रशिया में बैठा था और कंप्यूटर को हैक करके वो अभ्यर्थी की मदद कर रहा था। कई बार ऐसा देखने में आता है कि कंप्यूटर को एक रिमोट एक्सेस के थ्रू कुछ टूल्स का इस्तेमाल कर, कुछ सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर इस तरीके से उसको मॉनिटर किया जाता है कि दूर से उस परीक्षा की जो शुचिता है उसको भंग किया जाता है और इसमें जो ईमानदार अभ्यर्थी है उसका नुकसान होता है। कई ऐसे एप्लीकेशंस थे जिसको कि पहले इस्तेमाल किया जाता था, दूर अगर किसी चीज का मैकेनिकल उसका इलाज करना है, ठीक करना है चीजों को, तो लोग एक सर्वर, एक सॉफ्टवेयर होता था जिसको एनी डेस्क कहते थे, उसको उसमें इंस्टॉल करते थे जिससे कि दूर से उसको ऑपरेट किया जाता था, लेकिन ये तो सकारात्मक काम के लिए यूज किया जाता था। आजकल इस टाइप के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर दूर से अगर हम किसी चीज को रिमोट के जैसे कंट्रोल करने लगे तो ये उसकी परीक्षा की शुचिता पर एक गंभीर संकट है। इस प्रकार के सिस्टम में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ अगर होती है तो उसको भी इस क्राइम के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग या योग्यता या रैंक है तो दस्तावेज के साथ अगर छेड़छाड़ होगा, कई बार ऐसा देखने में मिलता है कि अगर चयन आपका हो गया उसके बाद भी रैंक के आधार पर आपको उसमें आपके डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ कर दिया गया जिससे आपकी रैंक प्रभावित हो जाए, या आपको कहीं और पोस्टिंग मिलनी थी कहीं और मिलनी है, तो इन सारी चीजों में जो छेड़छाड़ है उसको भी इस अपराध की श्रेणी में रखा गया है। साथ ही जो उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग की जाती है शुरू में ही, उस समय भी कई बार छेड़खानी देखने को मिलती है, इसको भी क्राइम की श्रेणी में रखा गया है। कई बार आपने देखा होगा कि फर्जी वेबसाइट बनाकर लोग आवेदन ले लेते हैं, फर्जी परीक्षाएं करा लेते हैं, तो इन सारी गतिविधियों को भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। झूठा विज्ञापन देके किसी परीक्षा के आयोजन के नाम पर झूठी राशि जमा कर लेना और उस एग्जाम को होना ही नहीं है, तो ऐसी दशा में जो अभ्यर्थी है वो ठगा जाता है, तो इसको भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। साथ ही नकली प्रवेश पत्र जारी करना, कई ऐसी कंपनियां देखी गई कि चाहे वो रेलवे में भर्ती के नाम पर नकली, वहां पर आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर तक प्रदान कर दिया जाता है, जब वो ट्रेनिंग करने जाते हैं तो पता चलता है कि ये पूरा का पूरा वो किसी स्कैंडल में घिर चुके हैं। इस प्रकार जो संस्थागत अपराध है उन पर नकेल कसने के लिए विशेष प्रोविजन किया गया है, इसको भी इसमें सूचीबद्ध किया गया है। ये सारी की सारी चीजें जो कि धोखाधड़ी की श्रेणी में आएंगी, किसी भी प्रकार के मौद्रिक लाभ के लिए ऑफर लेटर अगर आप जारी करते हैं या इस प्रकार की परीक्षा का आयोजन करते हैं या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप उम्मीदवार की सहायता करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से तो है ही अप्रत्यक्ष रूप से भी अगर ऐसा है कि उस उम्मीदवार की आपने सहायता की है तो वो भी एक क्राइम के तहत इसमें माना जाएगा और उसके लिए सजा का प्रोविजन किया जाएगा। अब देखिए विधेयक में परिभाषित जो सार्वजनिक परीक्षाएं हैं उन कौन कौन सी परीक्षाएं हैं जो इसकी परिधि में आएंगे, उन परीक्षाओं को भी देख लें। तो परीक्षाओं की जहां तक बात है तो इस विधेयक के धारा 2K में सार्वजनिक परीक्षा को बताया गया है कि वो कौन कौन सी परीक्षा होंगी। इसमें देखिए एक तो वो परीक्षा होंगी जो धारा 2 के अंतर्गत सार्वजनिक परीक्षा खंड में शामिल हैं, उसमें कुछ परीक्षाओं को लिस्टिंग करके उसमें सूची में बनाकर दिया गया, और साथ ही ये तो होंगी ही, साथ ही ऐसे प्राधिकरण जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, मतलब केंद्र सरकार कुछ प्राधिकरण को ऐड भी कर सकती है बाद में भी, जो एक अधिसूचना के माध्यम से ऐड कर सकती है, तो उनको भी इसमें ऐड मान लिया जाएगा, मतलब बाद में भी कुछ सूचियों में कुछ परीक्षाओं के जुड़ने की संभावना इसमें है, उसमें शामिल किया जा सकता है। अब देखें आप इसमें कौन कौन सी जो धारा 2 के अंतर्गत जो अधिसूचित प्राधिकरण है, कौन कौन से इसमें प्राधिकरण है जो सूचीबद्ध है, तो यहां देखिए संघ लोक सेवा आयोग UPSC जो परीक्षाएं कंडक्ट कराती है वो सारी परीक्षाएं इसमें सम्मिलित हैं। कौन कौन सी हैं देख लें, सिविल सेवा परीक्षा आपको पता ही है, संयुक्त रक्षा सेवा CDS की परीक्षा होती है, संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा, इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा, ये सारी परीक्षाएं इसमें सम्मिलित हैं। इसके अलावा आप देखें कर्मचारी चयन आयोग SST के द्वारा जो परीक्षा कंडक्ट की जाती है,
केंद्र सरकार में जो ग्रुप सी मतलब गैर तकनीकी पदों पर और ग्रुप बी गैर राजपत्रित जो पदों के लिए परीक्षा होती है वो भी सम्मिलित होगी। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी के अंतर्गत जो समूह सी और डी के कर्मचारियों की भर्ती होती है उसको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। साथ ही बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान जो आईबीपीएस जो भर्ती कराता है जिसमें जितने राष्ट्रीयकृत बैंक होते हैं उसके लिए एक परीक्षा होती है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो होते हैं जो रूरल बैंक्स होते हैं उनके लिए भी जो विभिन्न स्तरों पर परीक्षाएं होती हैं उसको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एनटीए एग्जाम कराता है विशेषकर एनटीए का एग्जाम जो होता है वो ऑनलाइन मोड में होता है तो इसको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। इसमें जेई मेन एनसीटीई यूजीसी नेट का एग्जाम होता है। इसके अलावा सीयूईटी का एग्जाम जो आजकल काफी चर्चित है तो ये सारी परीक्षाओं को इसमें सम्मिलित किया गया है। साथ ही कुछ अन्य परीक्षाएं भी इसमें सम्मिलित की जा सकती हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार के जो सारे मंत्रालय विभाग और कर्मचारियों की भर्ती होती है उनके लिए जो परीक्षाएं हैं वो भी इस विधेयक में सम्मिलित की गई हैं। सारे प्रोविजन इस विधेयक के इन परीक्षाओं पर लागू होंगे। इनसे जुड़े जो भी अधीनस्थ कार्यालय हैं वो भी हैं। नए कानून के दायरे में भी कुछ आ सकते हैं, मैंने शुरू में ही आपको बताया है इसके लिए क्या करना होगा। केंद्र सरकार को अगर ऐसी आवश्यकता लगेगी कि इस परीक्षा को भी इस विधेयक के अंतर्गत लाना चाहिए, जब ये कानून बन जाएगा तब की बात हो रही है, तो अनुसूची में नए प्राधिकरण को जोड़ सकती है, बस इसके लिए एक अधिसूचना उसको जारी करनी पड़ेगी। तो ये कुछ परीक्षाएं हैं जिसको इस विधेयक के अंतर्गत फिलहाल रखा गया है। अगर विधेयक कानून का रूप लेता है तो ये सारी परीक्षाओं पर ये लागू होगा। अब देखिए क्या होगी सजा, सजा पर एक नजर डालें तो इसमें अलग अलग सजा का प्रोविजन किया गया है। आप देखें जो धारा 9 है इसकी, उसमें कहा गया है कि ये जो भी अपराध होंगे वो संज्ञेय माने जाएंगे। संज्ञेय का अपराध का मतलब होता है जिसमें बिना वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती है। इसके अलावा गैर जमानती होंगे, उसमें किसी भी प्रकार की जमानत तब तक नहीं मिलेगी जब तक मजिस्ट्रेट उसकी अनुमति नहीं देगा। और गैर समझौता योग्य होंगे, ये बात ध्यान देने वाली है कि इसमें समझौता नहीं होगा। भले ही मैंने अगर जाके शिकायत की कि भाई फला व्यक्ति दोषी है ऐसा ऐसा चीज में वो लिप्त है और बाद में मैं समझौता करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन फिर भी वो केस चलेगा उसके ऊपर, मेरे समझौता करने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि लोग पैसों के लालच में बाद में समझौता कर लेते हैं, लेकिन इस गतिविधि को इस प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए ये प्रोविजन भी इसमें लागू करने की बात की गई है। अनुचित साधनों का अगर सहारा होगा, आपने किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का सहारा लेके परीक्षा को प्रभावित करने की कोशिश की, तो इसके लिए 3 या 5 साल, मिनिमम 3 साल और ये 5 साल तक की सजा हो सकती है। तो देखिए ये कैसा है, तो ये सामान्य सजा की बात है, पहली श्रेणी हमारी जो है इसमें 10 लाख के जुर्माने की भी बात की गई है। और अगर दोषी जुर्माना नहीं दे पाता है तो उसकी जो सजा है 3 या 5 साल की उसमें और अभिवृद्धि होगी, बढ़ जाएगी वो सजा। सिंपल सी बात है, अगर हमारे पे जुर्माना भी लगता है हमें सजा भी होती है, मान लीजिए 3 साल की सजा हुई और 10 लाख का जुर्माना लगा, 10 लाख का जुर्माना हम ना दे पाए तो ये सजा हो सकता है कि ज्यादा बढ़ के हमारी और समय सीमा आगे बढ़ जाए। दूसरे कंडीशन में देखिए जो धारा 10(2) कहती है वो कहती है कि यहाँ पर जो सेवा प्रदाता फर्म है, विशेष रूप से आप देखिए ऑनलाइन एग्जाम्स जितने होते हैं वहां पर जितना करप्शन देखने को मिलता है, सारा का सारा जो जिम्मेदारी होती है वो सेवा प्रदाता फर्म की होती है, क्योंकि बिना उनके उस संलिप्तता में रहे इतना आसान नहीं होता है उस पूरी प्रक्रिया में सेंध लगाना। तो इनपे अब थोड़ी सी कड़ी प्रोविजन इसलिए हमको इनके ऊपर देखने को कार्यवाही मिल रही है क्योंकि इनकी संलिप्तता उजागर होती है। तो जितने कंप्यूटर रिसोर्स हैं या कोई भी मटेरियल है उसका नाम कुछ भी हो सकता है, उसमें किसी भी प्रकार का अगर छेड़छाड़ किया जाता है तो 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अन्य दंड का प्रोविजन भी इसमें किया गया है। सेवा प्रदाता कंपनी के ऊपर थोड़ी सख्ती दिखाई गई है इस विधेयक के माध्यम से। तीसरी श्रेणी में सबसे कठोर दंड का प्रोविजन है वो है संगठित अपराध की श्रेणी माना जाएगा। कब? जब आप पेपर लीक कराने में एक पूरा का पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है या एक पूरा समूह लगा हुआ है उस कार्य को संस्थागत रूप से करने के लिए, तो ऐसी श्रेणी में यह माना जाएगा कि ये जो अनलॉफुल एक्टिविटी है, गैर कानूनी आपकी क्रियाविधि है, ये ग्रुप ऑफ पर्सन मतलब कई लोगों का जो समूह है वो इसमें संलिप्त है। क्यों? क्योंकि वो मौद्रिक लाभ चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, तो इस दशा में इसको संस्थागत या संगठित अपराध माना जाएगा। और जब संगठित अपराध होगा तो धारा 11(1) कहती है कि इसमें मिनिमम 5 साल और मैक्सिमम 10 साल की सजा तो होगी ही, लेकिन जो जुर्माना है वो मिनिमम 1 करोड़ और मैक्सिमम कितना भी हो सकता है उस परीक्षा से प्रभावित होने वाले जितने बच्चे हैं, जितना लॉस हो रहा है उस परीक्षा को कराने में, वो पूरी की पूरी राशि वसूल कर ली जाए। तो ये एक कड़ा प्रोविजन है जो कि एक कारगर कदम साबित हो सकता है। क्यों लाया गया विधेयक तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन परीक्षा की डिमांड है इसलिए पॉइंट के रूप में हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। पिछले 5 वर्षों में आप देखेंगे तो पेपर लीक की इतनी घटनाएं हुई,
16 राज्यों में 48 मामले सामने आए। ये वो मामले हैं जो सामने आए, बहुत ऐसे मामले होते हैं जो सामने नहीं आते हैं। इसमें 1.2 लाख पद प्रभावित हुए। अगर इन पदों पर भर्तियां हुई होती तो कितने परिवार उनकी स्थिति बेहतर होती। लेकिन ये 1.2 लाख पद और 1.5 करोड़ आवेदक, कि ये तो वो हैं जो पद थे, इससे प्रभावित होने वाले वो सभी अभ्यर्थी थे जो इसमें आवेदन किए, उसमें 1.5 करोड़ आवेदक जो थे वो प्रभावित होते हैं। और इसमें क्या था, तो कदाचार, परीक्षाओं में देरी, रद्दीकरण होने से बार बार परीक्षा आयोजित करानी पड़ती थी, एक ही परीक्षा को आयोजित कराने में कई वर्ष लग रहे हैं, बार बार आयोजित हो रहा है, संसाधन का नुकसान, समय का नुकसान, इस वजह से इस पे ध्यान देना पड़ा। इसीलिए विशिष्ट और ठोस कानून की जरूरत पड़ी, क्योंकि अगर ठोस कानून होता तो शायद जिन एजेंसियों के माध्यम से ये काम हुआ उन पर कठोर कार्यवाही की जा सकती थी और बार बार ये साहस उनका नहीं पनपता। साथ ही परीक्षा प्रणाली की जो कमजोरियों का फायदा उठाने वाले तत्व हैं उनकी पहचान करने की भी जरूरत है, व्यापक केंद्रीय कानून द्वारा प्रभावी ढंग से इनसे निपटने की जरूरत है, और हम कैसे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता कायम कर सकें, जिससे कि एक ईमानदार प्रतियोगी की जो उसका अधिकार है उसको न छीना जा सके, उसको पुरस्कृत किया जा सके। अनुचित तरीकों में जो लिप्त व्यक्ति हो, चाहे संगठित समूह हो या संस्थान हो, उनको कैसे कानूनी रूप से रोका जाए, इसके लिए भी ये प्रोविजन जरूरी था। और बिल में परिभाषित जो उम्मीदवार हैं, एक विशेष इसमें कॉलम यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि इस बिल में उम्मीदवारों को की एक विशेष परिभाषा दी गई है। बताया गया कि जो इस मानदंड पर उम्मीदवार की श्रेणी में जो अभ्यर्थी है उसके लिए बहुत परेशानी की बात नहीं है, उस पर कार्यवाही के लिए वो इस चीज के लिए जिम्मेदार ज्यादा नहीं ठहराया गया। हाँ, ये जरूर है कि पहले से जो प्रोविजन है कि जो अधिकरण वो परीक्षा करा रहा है उसकी नियमावली की तरह तहत उस अभ्यर्थी को जो सजा होती है वो तो दी जाएगी, लेकिन इस विधेयक के तहत उस अभ्यर्थी के लिए कोई कठोर दंड की व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन जो परीक्षा प्राधिकरण होगा उसको दंड दे सकता है उस अभ्यर्थी को, ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये पूरा का पूरा जो विधेयक है, अगर ये कानून का रूप लेता है तो इसी को एक मॉडल ड्राफ्ट के रूप में स्वीकार कर जो राज्य सरकारें हैं वो अपने राज्य में भी ऐसा ही कानून बनाकर इसको लागू कर सकती हैं, जिससे कि जो स्टेट में होने वाली परीक्षाएं हैं उसकी भी शुचिता को बनाए रखा जा सकता है। अब अंत में देखते हैं एक अभ्यास प्रश्न। आज के अभ्यास प्रश्न को आप देखें और जवाब दें कमेंट बॉक्स में, इसकी अपेक्षा आपसे है। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 के प्रावधानों में से निम्न कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है, संगठित अपराध में लिप्त होने पर अधिकतम 5 वर्ष की सजा है। दूसरा कथन है, विधेयक के दायरे में केवल संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। आपको बताना है इन दोनों कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए केवल एक या केवल दो, दोनों सही हैं या उपर्युक्त में से कोई नहीं। उम्मीद है आप सही जवाब देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।